सो हाय एवरीबॉडी, कैसा हो सब लोग? बढ़िया एकदम. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली नेशनल इनकम. क्या करने वाले हैं जी? हम नेशनल इनकम करने वाले हैं थ्रू इनकम मेथड. नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड, ठीक है? इनकम मेथड से नेशनल इनकम बेसिकली कैलकुलेट करने वाले हैं, इसका फॉर्मूला सीखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में. तो नेशनल इनकम यानी पूरी कंट्री की इनकम, बहुत सिंपल है. तो नेशनल इनकम हमने एक्सपेंडिचर मेथड तो सीख ही लिया है ना, तो उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे समझ सकते हैं. तो नेशनल इनकम बेसिकली इनकम मेथड के थ्रू करने वाले हैं. हम किस मेथड के थ्रू करने वाले हैं? इनकम मेथड के थ्रू करने वाले हैं. अब इनकम मेथड किस पे फोकस है? इनकम मेथड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमारे देश में अलग अलग लोग सर्विसेज या गुड्स दे रहे हैं, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. बेसिकली कोई भी अगर बिजनेस काम कर रहा है तो उसे किसकी ज़रूरत है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब ध्यान से देखो, अगर कोई भी बिजनेस काम कर रहा है तो वो पहले क्या अरेंज करेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अरेंज करेगा. अगर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अरेंज करेगा तो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्री में तो आएंगे नहीं उसके पास, मामा चाचा तो लग नहीं रहे, है ना? तो वो पे करेगा, फिर उन्हें क्या करेगा? पे करेगा, है ना? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बिजनेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उठाएगा, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, है ना? और उनके बदले पे करेगा. तो पे करेगा तो वो किसी ना किसी की इनकम है ना भाई. फैक्टर पेमेंट्स यानी फैक्टर पेमेंट्स या रिसीविंग्स जो हो रही हैं वो किसी ना किसी की इनकम है. तो यानी जितने भी बंदे जो भी बंदे काम कर रहे हैं, है ना, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी रिसीव कर रहे हैं, जो भी फैक्टर इनकम रिसीव कर रहे हैं, उसको सबको क्या कर लेंगे? सही बोला, ऐड कर लेंगे. क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे. देखो बहुत शॉर्ट में, प्यार से, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे पास बिजनेस है. बिजनेस क्या करेगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी बिजनेस को चलाने के लिए लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए. ये हम पहले ही समझ चुके हैं. जमीन चाहिए, हवा में तो बनेगा, एम्प्लॉयज चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल यानी पैसा चाहिए, और दिमाग चाहिए. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमकर्ता, जो काम मालिक है वो चाहिए. और ये सब के बदले इन सबको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा. जो पे करना पड़ेगा वो किसी ना किसी की तो इनकम है ना. और अगर हम उन सब इनकम को जोड़ लें तो फाइनली हमारा इनकम मेथड यानी पूरे देश के अंदर जो भी इनकम है हम वो जोड़ के बता सकते हैं हमारी देश की इनकम कितनी होगी, है ना. और इनकम मेथड से हमेशा याद रखना NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन निकलेगा. यानी क्योंकि डेप्रिसिएशन का तो इधर सवाल ही नहीं है, फिक्स एसेट तो यूज़ ही नहीं हो रही है, तो NDP निकलेगा और फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगा. क्यों? क्योंकि हम फैक्टर इनकम्स जोड़ रहे हैं. मार्केट प्राइस का तो कोई इधर सीन है ही नहीं. अब आप ध्यान से देखो, लैंड है ना, जो इंसान लैंड देगा किराए पे उसे क्या मिलेगा? रेंट, यानी रेंट उसकी इनकम है. जो बंदा एज अ लेबर काम करेगा, एज अ एम्प्लॉय कहीं काम करेगा, उसकी इनकम क्या है? वेजेस है उसकी इनकम, ठीक है जी. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, जो बंदा अपने पास पैसा, जिसके पास पैसा है, वो पैसा कहीं किसी को ब्याज पे दे देगा तो उसकी इनकम क्या है? इंटरेस्ट उसकी इनकम है. या पैसे को वो शेयर्स में लगा देगा तो उसको डिविडेंड मिलेगा, वो इसकी इनकम हो जाएगी. तीसरा, एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो बंदा दिमाग लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट. तो यानी रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. बेसिकली आपको चार आइटम तो कन्फर्म याद रखने, कि इन चारों आइटम को जोड़ देंगे. इनके अलावा एक और दो हैं, उन पे हम बात करेंगे आराम से, तसल्ली से. तो अगर इन सारे आइटम्स को जोड़ दोगे आप तो NDPFC निकल आएगा, कोई टेंशन नहीं है. अब प्रॉफिट में देखो, प्रॉफिट में बेसिकली तीन हिस्से हैं. प्रॉफिट में कितने हिस्से हैं? तीन हिस्से हैं. प्रॉफिट में कॉरपोरेट टैक्स, यानी इसको हिंदी बोलते हैं निगम कर, यानी जो भी एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट होगा उसमें से वो टैक्स दे देगा गवर्नमेंट को, है कि नहीं? हालांकि वो इसी की इनकम है, अब गवर्नमेंट की इनकम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है. डिविडेंड्स यानी ये भी ना किसी की तो इनकम है. डिविडेंड किसको मिल रहा होगा? मान लो जैसे एक इंसान और होता है ना, ना तो उनके पास ना तो लैंड है, ना लेबर है, ना कैपिटल, वो कुछ भी नहीं है. वो क्या कर रहा है? उसने बस शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको डिविडेंड उसकी इनकम हो जाएगी. तो प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है ना, वो प्रॉफिट में से कटेगा. तो टैक्स कटेगा, डिविडेंड कटेगा, और जो बच जाएगा यानी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब उसमें से टैक्स माइनस होगा लास्ट वाले प्रॉफिट में से, है ना, और डिविडेंड जाएगा. तो ये दोनों बेसिकली इस गवर्नमेंट की इनकम है, ये इन्वेस्टर्स की इनकम है, तो ये भी इनकम है ना. और लास्ट में अवितरित लाभ या संचित लाभ बोल सकते हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व्ड प्रॉफिट, है ना, ये किसके पास रह जाएगा? ये एंटरप्रेन्योर के पास रह जाएगा, है ना. तो ये भी किसी की इनकम है, ये भी किसी की इनकम है, और ये लास्ट जो बच जाएगा ये प्रॉफिट खुद की बिजनेस की इनकम है. यानी पूरे देश में फैक्टर इनकम जोड़ रहे हैं हम. अब फैक्टर इनकम वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं. इंस्टीट्यूशंस बेसिकली प्रॉफिट कमाएंगे. समझ में आ गया? आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया. तो हमें बेसिकली क्या लेना है? रेंट लेना है, वेजेस एंड सैलरीज लेनी है, इंटरेस्ट लेना है, एंड प्रॉफिट लेना है ना. अब इसके चीज़ के साथ देखो, जैसे कुछ और बंदे हो सकते हैं छुपे छुपे, है ना, जो बेचारे अपनी दुकान चला के काम कर रहे हैं. जैसे मान लो मेरे को ले लो, मैं टीचर हूँ तो मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं जॉब तो नहीं कर रहा, मेरे पास कोई ज़मीन भी किराए पे नहीं है, मैं किसी का एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ भाई? सेल्फ एम्प्लॉयड. मैं क्या हूँ जी? सेल्फ एम्प्लॉयड. तो यानी हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग होंगे बहुत सारे, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, टीचर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, मान लो वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे तो वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड. यानी सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी इंसान पैसा कमा रहा है उसको भी काउंट करना पड़ेगा. तो एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, क्या?
इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि अलग अलग लोग हैं बहुत सारे। तो ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, आप चाहें तो इसकी फोटोकॉपी ले सकते हैं, ओके सॉरी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यार। ओके अब देखो ध्यान से, जैसे इनकम मेथड है तो वो क्या कह रहा है कि इनकम मेथड मेजर्स यानी नापता है, किसको नापता है, नेशनल इनकम फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ फैक्टर इनकम, जिसको जो फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है आप उसको जोड़ दो, तो है ना। अब जैसे देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लेंगे, एम्प्लॉयज़ को जो भी पैसा मतलब वेजेज एंड सैलरी मिल रहा है, थोड़ा बड़ा टर्म है वेजेज एंड सैलरीज, कंपनसेशन यानी हम वेजेज और सैलरी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे कंपनसेशन, यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं पारिश्रमिक, यानी परिश्रम जो कर रहे हैं तो उसके बदले जो उन्हें मिल रहा है वो पारिश्रमिक हो गया। तो बहुत सारा होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर रेंट है, मिल रहा है रेंट, है ना, रेंट तो मिल ही रहा है अगर हमने अपनी ज़मीन किराए पे दे दी, अगर हमने अपना कुछ दिमाग लगा के कुछ आइडिया कुछ इन्वेंशन कुछ किया है, कुछ बुक लिखी है, कुछ किताब किया है, कुछ गाना बनाया है, तो उसके बदले में क्या मिलेगा, रॉयल्टी, रॉयल्टी मिलती रहती है लगातार, तो वो भी एक बंदे की इनकम है कि नहीं। इंटरेस्ट तो है ही, जिसने कैपिटल लगाया इंटरेस्ट मिला, और मिक्स्ड इनकम किसकी, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, और प्रॉफिट तो है ही भाई एंटरप्रेन्योरशिप का, यानी इन सारी चीज़ों को जोड़ के भी आप क्या क्या निकल आएगा, NDPF FC निकल आएगा जी, समझ में आ गया होगा। इसमें आप निफिया जोड़ देंगे, नफिया है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके ऊपर मैंने हर चीज़ के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स बना रखा है, वीडियोस बना रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें जाके आप पीछे की सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अच्छा एक और तरीके से समझते, देखो ये कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इनकम मेथड, अब इसके थ्रू क्या होगी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मार्कर चेंज कर लेंगे सॉरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस है, इसको मैं समझाऊंगा आप पे, मिक्स्ड इनकम है, तो ये सारा एक दो तीन, यानी तीन चीज़ों को जोड़ के, एक दो तीन चीज़ों को जोड़ के आपका NDPF FC आ जाएगा। मिक्स इनकम में कुछ नहीं है अंदर, ऑपरेटिंग सरप्लस में मैं अभी बताऊंगा क्या क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में यानी जो भी एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दिया जा रहा है वो सब लोगे, उसमें वेजेस एंड सैलरी आ जाएगी, अलाउंस जो उनको मिल रहे हैं वो आ जाएंगी, बोनस वगैरह, सॉरी ये बाउंस नहीं है, बोनस वगैरह जो भी हैं, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर उनके बदले समाज में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सब मिल जाएंगी, स्कीम्स में पैसा डाल रहे हैं एम्प्लॉयर, तो बेसिकली वो है तो इन्हीं की इनकम ना, तो सारा मिल जाएगा है कि नहीं। तो ये हमारा, और नफिया जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से भी देखो नेश फैक्ट NDPF FC निकालना है, तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले मैं ऑपरेटिंग सरप्लस ही समझा देता हूँ। तो देखो जैसे बिजनेस है ना, आसान भाषा में समझा देता हूँ, बिजनेस उसने सेल की, मान लो सेल की 100 रुपये की, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड यानी जो भी माल बना के उन्होंने बेचा तो उसकी कीमत थी मान लो 50 रुपये, यानी मोटा मोटा इसको क्या हो गया 50, ये बेसिकली क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, ये क्या हो गया अकाउंट की भाषा में इसे क्या कह देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट है ना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट है ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से है ना, ग्रॉस प्रॉफिट को ही आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्योंकि हम अकाउंट नहीं देख रहे हैं तो हम मोटा मोटा देख रहे हैं, तो यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ही बेसिकली हमारा क्या हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेम सी चीज़ है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अब हम फिर रेंट माइनस कर देंगे है ना, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, तो ये दोनों चीज़ें रेंट और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो बचेगा वो बचेगा हमारा प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट है ना, आप प्रॉफिट कह सकते हो, थोड़ा अकाउंट के हिसाब से थोड़ा सा अलग चल रही। तो ग्रॉस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस को जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और उसमें से अभी रेंट देना बाकी है, इंटरेस्ट देना बाकी है, जो बचेगा वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट में से भी फिर टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को, डिविडेंड्स चला जाएंगे, और फिर जो बचेगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बच जाएगा, तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब इसको बात कर रहे हैं, तो इसलिए रेंट और टैक्स, रेंट इंटरेस्ट इसी का पार्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है ना, और प्रॉफिट भी इसी का पार्ट है। अगर हमें कभी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा होगा तो यानी हम तीनों को इग्नोर मारेंगे, लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं दे रखा होगा तो आपको तीनों को इनको लेना पड़ेगा। अब जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में अगर आपने ये ले लिया तो नीचे का कुछ भी नहीं लेना, बात सिंपल, अगर आपने ऊपर के तीन ले लिए तो ये तीनों नहीं लेने, लेकिन आपने ये लिया और फिर ये तीनों दे रखे हैं तो ये तीनों ले लो, अगर ये नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, बात तो वही है कि ये तीनों मिला के प्रॉफिट बनेगा और ये तीनों मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ओके अब जैसे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फिर मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, तो अब जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में देखो, अभी मैं इसको समझा देता हूँ आपको, आई थिंक फोटो नहीं ली क्या मैंने, ओके सॉरी फोटो नहीं ली, कोई बात नहीं, तो मैं आपको एक नई स्लाइड लेके समझा देता हूँ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है ना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को जो जो मिल रहा है तो उनको देखो कैश में जो भी उनको सैलरी वैलरी मिलेगी काइंड में मिलेगी, पेमेंट इन कैश पेमेंट इन काइंड, काइंड का मतलब जैसे उनके मालिक ने उन्हें घर दे दिया रहने के लिए, मोबाइल दे दिया, घर दे दिया, मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दी, तो काइंड कार दे दिया, ये सब काइंड में, तो ये बेसिकली उनकी सैलरीज है एम्प्लॉयज़ की, है कि नहीं, इनकम का पार्ट है उनका इसलिए। तीसरा है जी रिटायरमेंट, जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे रिटायरमेंट
रिटायरमेंट पेंशन जो मान लो पेंशन मिली जाएगी वो भी तो उनकी सैलरी से आज कट रही है तो बाद में मिलेगी ना, तो इसको काइंड हो गया यानी कि किस्म के रूप में भुगतान, इसको हिंदी में बोल देते हैं किस्म के रूप में भुगतान, इसको नगद भुगतान। रिटायरमेंट पेंशन को बोल देते हैं सेवानिवृत्त लाभ, क्या बोलते जी, सेवानिवृत्त लाभ। और लास्ट हो गया जी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी, है ना, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर होगा, ये ध्यान रखना एम्प्लॉय कभी नहीं होगा, एम्प्लॉयर होगा क्योंकि एम्प्लॉयर जो भी दे रहा है वो इनकी इनकम है, लेकिन अगर एम्प्लॉय हो तो ये तो खुद ही है ना, तो अगर एम्प्लॉय कोई कंट्रीब्यूट करता है तो वो तो उसका खर्चा हो गया, इनकम नहीं हुई, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स क्या कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, तो एम्प्लॉय जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जैसे इसको हम कह लेते हैं ना वो क्या होता है हमारे, देखो याद नहीं आ रहा अभी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR, तो एम्प्लॉयर जो भी मालिक जो भी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर खर्च कर रहा है वो बेसिकली एक इनकम ही है ना, तो उसको भी जोड़ लिया जाएगा। और वो किसकी इनकम है, लोगों की इनकम बन रही है कि नहीं, तो इसलिए। तो क्या रह गया जी हमारा, ऑलमोस्ट हमने ये पूरा समझ लिया है, ठीक है, और ये भी सारा समझ लिया है कि नहीं। तो एक लास्ट चीज़ मैं छोटी सी आपको और बता देता हूँ, है कि नहीं। अब जैसे आप, आपको याद रखने में दिक्कत आ रही है कि नहीं, तो याद कैसे रखोगे, तो मैं सीधा तरीका बताता हूँ। जैसे कि भाई इनकम मेथड का फॉर्मूला आप कैसे याद रखोगे, तो इनकम मेथड है तो इनकम मेथड में मतलब जॉब करेंगे, जॉब इनकम मेथड, इनकम कब आएगी जब जॉब करेंगे, और जॉब को हम क्या बोल सकते हैं, कंपनसेशन, है ना, इनकम मतलब कंपनसेशन, तो ऐसे याद रखना, एक वर्ड याद रख लो कंपनसेशन। अब कंपनसेशन में आगे वाले तीन ले लो, COM, COM, यही हमारा फॉर्मूला बन गया, इनको जोड़ेंगे तो NDPAT FC आ जाएगा हमारा, है कि नहीं। अब सी मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है ना, तो उसमें कितना कैश आ गया, काइंड आ गया, है ना, काइंड आ गया, और क्या आ गया, कैश आ गया, काइंड आ गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आ गए, है ना, रिटायरमेंट पेंशन आ गई, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड सोशल सिक्योरिटी, तो वो आ जाएगा। और ये ओ फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीज़ें आ गई, रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, एक चीज़ और थी प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट में तीन चीज़ें आ जाएंगी, प्रॉफिट में क्या आ गया जी, प्रॉफिट में क्या आ गया बताइए ज़रा, क्या आ गया मेरे को तो याद भूल गया मैं, अरे। तो प्रॉफिट में आ जाएगा जी कॉर्पोरेट टैक्स, इसको निगम कर बोलते हैं, और डिविडेंड्स आ जाएगा, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ जाएगा, और ये मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो हो ही जाएगा, है ना, बाकी सारे लोगों को, यानी आप ऐसे कॉम करके भी याद रख सकते हो। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सारा समझ में आ गया है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच पूरा देखने के लिए, लाइक करिए इसे अगर अच्छा लगा हो तो, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और क्या हुआ, हाँ दोस्तों को प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।